आज हम बनाएंगे दलिया का बहुत ही स्वादिष्ट हलवा। आप इसको किसी भी ओकेशन में बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसको पूजा में प्रसाद के रूप में या फेस्टिवल में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दलिया का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दलिया लिया है। ये नॉर्मल दलिया है जो मार्केट में मिलता है। और दलिया का 1/3 मैंने यहाँ पर शुगर लिया है, 1/2 कप घी और 8 से 10 बादाम को मैंने लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, 8 से 10 काजू है और 10 से 15 किशमिश है जिसमें ब्लैक और ग्रीन दोनों मिक्स करके लिया है मैंने। अभी यहाँ पर एक बर्तन में हम पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। ये इसी कप में मैंने 4 कप पानी लिया है। 1 कप दलिया के लिए हम 4 गुना पानी लेंगे और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अभी मैं एक साइड में इसको उबलने के लिए रख दूंगी। हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसको अभी गर्म करने के लिए रख देंगे और अभी इसमें मैं 1 स्पून घी डाल के इसको गर्म कर लेंगे। और सबसे पहले अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आलमंड को डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। कैश्यू नट अभी दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बादाम जो है फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है और कैश्यू नट जल्दी से फ्राई हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। किशमिश, और जैसे ही हम किशमिश को डालते हैं वो फूलने लग जाता है, ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे और अभी ये रोस्ट हो चुका है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अभी उसी पैन में हम अपने बाकी के घी को भी डाल देंगे। और घी जो है गर्म हो चुका है, हम दलिया को इसमें डाल के भून लेंगे। दलिया जैसे ही फ्राई होना शुरू होगा आप देख सकते हैं ये फूलना शुरू हो जाता है इस तरह से, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे भूनने के टाइम में और इस तरह से इसको चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं दलिया जो है कितने अच्छे से फूलने लग गया है। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ और अभी इसको थोड़ी देर और भून लेंगे। दलिया को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, नहीं तो हलवा में दलिया का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। और अभी ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अभी यहाँ पर हम जो पानी गर्म करके रखे थे उसको डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे क्योंकि पानी भी गर्म है। आप चाहे तो पानी की जगह में इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो अभी इस तरह से धीरे धीरे करके हम इसमें सारा पानी ऐड कर देंगे और इसको पानी सूखने तक हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो में ही रख के दलिया को पकने देंगे और अभी पानी जो है अच्छे से सूख गया है और हमारा दलिया भी अच्छे से फूल चुका है। अभी यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप शुगर के जगह में चाहिए तो गुड़ भी ले सकते हैं और अभी शुगर के मेल्ट होने तक हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से पका लेंगे। और अभी शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अगर आपको हलवा जल्दी बनाकर रेडी करना है तो आप दलिया को भून के कुकर में डाल के 1 सीटी लगा सकते हैं, इससे जो है दलिया जल्दी पक जाएगा। अगर आप इस तरह से पैन में पकाएंगे तो इसको बहुत ही लो फ्लेम में पकाना पड़ता है, नहीं तो ये अच्छे से पकेगा नहीं। अभी ये हो चुका है, यहाँ पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। अभी इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और हमारा हलवा जो है बनकर रेडी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अभी आप इस गर्मा गर्म हलवा को अपने रसोई में बनाइए, खाइए और खुश रहिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। रेसिपी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।
तो आज हम बनाएंगे स्वीट रेसिपी पोहा का हलवा। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, आपको जब भी मीठा खाने का मन हो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है और मैंने यहाँ पे एक कप पोहा ले लिया है और अब हम इसे 2 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे कंटिन्यूसली स्पून चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। और अब 2 मिनट्स हो चुके हैं, पोहा जो है रोस्ट हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे क्योंकि पैन जो है गर्म होने की वजह से हमारा पोहा जो है जल सकता है, तो यहाँ पे पोहा का कलर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें मैंने पोहा मेजरमेंट किया था, उसमें सेम उस कप में मैं 2 कप पानी ले रही हूँ, मतलब 1 कप पोहा में हम 2 कप का पानी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं 1/2 कप शुगर ले रही हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे शुगर को मेल्ट होने तक इसे बॉईल कर लेंगे। और अब ये बॉईल हो चुका है, हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, तो मैंने 2 इलायची का पाउडर कर लिया उसे डाल देंगे। और 1 पिंच येलो फूड कलर ले लिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, हमारा पोहा भी है ठंडा हो चुका है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें 1/2 कप घी ले लिया जिसमें मैंने पोहा मेजरमेंट किया था उस कप में। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 काजू ले लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून किशमिश ले लिया है, हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम पैन में ग्राइंड किए हुए पोहा को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 30-40 सेकेंड्स के लिए हम घी में भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें जो शुगर सिरप हमने बनाया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे कंटिन्यूसली ऐसे स्पून चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। और अब 1 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हलवा जो है एकदम थिक हो चुका है। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए काजू किशमिश को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा पोहा का हलवा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एप्पल सूजी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा। त्योहारों का सीज़न है तो कुछ ना कुछ मीठा तो घर पर बनता ही रहता है, तो आप इस फेस्टिवल सीजन एक बारी इस एप्पल सूजी हलवा को भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए इस टेस्टी हलवा को बनाना शुरू करते हैं। तो एप्पल सूजी हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, अभी मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दूंगी। घी अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे और अभी ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 एप्पल लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, अभी हम इसको भी डाल के थोड़ी देर इसमें फ्राई कर लेंगे। और अभी इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और एप्पल भी सॉफ्ट हो गया, अभी हम इसको एक अलग से प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे। और अभी उसी पैन में मैंने 1/2 छोटा चम्मच और घी ले लिया है और सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1/2 कटोरी सूजी ली है जिसको अभी हम पैन में डाल के अच्छे से ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। और अभी यहाँ पर हमारा जो सूजी है अच्छे से भून चुका है, मैंने जिस कटोरी में 1/2 कटोरी सूजी लिया था अभी उसी कटोरी में हम 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे। आप कभी भी सूजी का हलवा बनाएंगे तो इस मेजरमेंट को जरूर याद रखिए, जो सूजी रहता है उसका 3 गुना हमें पानी डालना रहता है, तभी हमारा जो हलवा है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अभी हम इसको 3 से 4 मिनट तक ढककर पकने देंगे। और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो पानी है पूरा सूख गया है और हमारा सूजी भी अच्छे से फूल गया है।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है, आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी चीनी को हम सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक जो चीनी है पूरा मेल्ट ना हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर को दूध में भिगोकर रख लिया था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा हलवा भी पककर रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स और एप्पल फ्राई करके रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एप्पल सूजी का हलवा बनकर रेडी है। और अभी आप इस फेस्टिवल सीजन में इस टेस्टी हलवा को अपने किचन में बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का प्रसाद। आप इसे किसी भी पूजा के लिए बना सकते हैं और आपका जब भी मीठा खाने का मन हो आप इसे बना के खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया और इसमें 1 कप मैंने घी ले लिया है, हम इसे मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सेम कप में गेहूं का आटा ले लिया है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूसली इसे स्टर करते हुए हम इसे भून लेंगे आटे को अच्छे से। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है और इसे लो फ्लेम पे ही मैं इसे कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मुझे टोटल 20 मिनट्स लगे हैं। और अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है और इसमें सेम कप में मैंने 1 कप शुगर ले लिया है और इसी कप में मैंने 3 कप पानी ले लिया है, हम इसे डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे 2 इलायची को पाउडर करके ले लिया, हम इसे डाल देंगे और इसे शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे शुगर को मेल्ट करना है। और अब शुगर मेल्ट हो चुका है, हम इसे गेहूं के आटे में मिक्स करेंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे 2 मिनट्स के लिए और पकने देंगे। और अब 2 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा प्रसाद जो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।